12 राज्यों के बाइक बोर्ड निवेशक पहुंचे ग्रेटर नोएडा, बनाया संगठन। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बाइक बोर्ड साथियों का एक बार फिर से हमारे हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बाइक बोर्ड के निवेशक अपने पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, और पैसे को लेकर इस वक्त जो संगठन बनाया गया दोस्तों, वो संगठन बहुत मजबूत संगठन है। आइए दोस्तों, सुनाते हैं कि क्या जागरण संवाददाता द्वारा ये रिपोर्ट हमारे पास आई है। ग्रेटर नोएडा 2.25 लाख लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाली बाइक बोर्ड कंपनी के 12 राज्यों के पीड़ित निवेशक सोमवार को ग्रेटर नोएडा स्थित SSP कार्यालय पहुंचे। निवेशकों ने अपनी आवाज़ को मजबूती देने के लिए ऑल इंडिया मल्टी लेवल मार्केटिंग विक्टम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के नाम से संगठन बनाया है। पीड़ित निवेशक को ने SSP वैभव कृष्ण से मुलाकात कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ितों की मांग है कि मामले की जांच CBI द्वारा कराई जाए और आरोपियों की संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जाए। SSP ने मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देने के साथ ही यह भी बताया कि घोटाले में शामिल एक दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको हिस्ट्री न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अच्छी अपडेट के साथ। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।